हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। और आज हम 3 मार्च का तीसरा शिफ्ट का पेपर कर रहे हैं सीजीएल Tier-1 का। ये चैनल है द इंग्लिश सर्कल बाय श्रीकांत सिंह और मैं श्रीकांत सिंह हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन ईडियम है जिसका मीनिंग बताना है आपको। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अपना ट्रम्पेट क्या होता है? आप सिंघा बोलते हैं जब बजाते हैं। तो ब्लो मतलब बजाना, हवा भरना, उसके अंदर सांस फेंकना। तो इसका असली मतलब होता है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपना सिंघा बजाना। वैसे लिटरल मीनिंग है पर असली अर्थ होता है जब अपनी प्रशंसा करते रहते हैं आप। प्रेज वन सेल्फ, प्रशंसा करना खुद की। अच्छा, फॉलो अदर्स, दूसरों को फॉलो करना, अनुसरण करना। कंडेम अदर्स, दूसरों की निंदा करना। बी सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर होना। ये सब नहीं होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपिका वॉक्ड डाउन द रोड स्लोली। दीपिका सड़क पर गई, धीरे धीरे चली, धीरे धीरे, विदाउट लुकिंग एट एनीबडी, बिना किसी को देखे हुए। लुक एट समबडी होता है, लुक एट राम, लुक एट मी, लुक एट हिम। तो विदाउट लुकिंग एट एनीबडी, एट वहाँ होना चाहिए था, वो छूट गया, उसी वाले हिस्से में एरर है, एरर बताना था आपको। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना होगा। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो। व्हाट टाइम, किस समय इज योर फ्लाइट, तुम्हारा फ्लाइट है कल। तो शी आस्क मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट टाइम माई फ्लाइट वॉज द नेक्स्ट डे। शी आस्क मी, पहला वाला ऑप्शन, उसने मुझसे पूछा, व्हाट टाइम, किस वक्त माई फ्लाइट वॉज, मेरा फ्लाइट था द फॉलोइंग डे, या आने वाले दिन, या द नेक्स्ट डे। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें गलत स्पेलिंग किसकी है, इनकरेक्ट स्पेलिंग क्या है वो बताना है। पार्टनर की स्पेलिंग गलत है, पार्टनर में PART, पार्टनर, पार्टनर, सखा या दोस्त। पियर्स की स्पेलिंग सही है, पियर्स मतलब छेदना, जैसे कान में पियर्स करते हैं ना, कान की पियर्स करते हैं उसमें कुछ बाली वाली पहनने के लिए। परसू का स्पेलिंग भी सही है, परसू मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे जाना, कोशिश करना। और PTS, इसमें PTS का भी स्पेलिंग सही है, और PTS का मतलब होता है दयनीय। तो PTS का मतलब होता है दयनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत हो वो सेलेक्ट करना है। नेसेसरी मतलब आवश्यक, नुइसांस मतलब मुसीबत का सबब या कोई चीज़ जो आपके लिए परेशानी पैदा करने वाला हो। नेगोशिएट का स्पेलिंग गड़बड़ है, इसका सही स्पेलिंग होना चाहिए था NEGOTIATE, नेगोशिएट में सी के जगह टी होना चाहिए था। नेगोशिएट मतलब उससे मोल तोल या बातचीत करना या उससे निपटना। नेग्लिजिबल मतलब होता है ना के बराबर, बहुत ही कम, थोड़ा सा। इसमें आपको नो इम्प्रूवमेंट होगा या फिर कोई दूसरा चीज़ रख के इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, सेंटेंस सही कर सकते हैं, ये बताना है। माई शूज़ वर वर्न आउट, मेरे जो जूते थे वो घिस गए थे, सो इसलिए आई हैड टू बाई, मुझे खरीदना पड़ा अ न्यू वन, एक नया जूता। वन मतलब कोई एक चीज़, शूज़ एक नहीं होता ना, शूज़ प्लूरल है, तो अ न्यू वन की जगह होना चाहिए न्यू वंस। न्यू वंस मतलब दो है ना, तो नए वाले, वन नहीं सिंगुलर हो जाएगा, न्यू वंस कहना पड़ेगा दूसरा वाला। ये रखेंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्लोज पैसेज है जिसमें आपको सही आंसर भरने हैं। वाटरमेलन इज थॉट, वाटरमेलन को माना जाता है टू हैव ओरिजिनेटेड, ओरिजिनेट होने का या पैदा हुए होने का, इन अफ्रीकाज कालाहारी डिजर्ट, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में माना जाता है, वहाँ ये पैदा हुआ था। बिलीव इट और नॉट, इसको मानिए चाहे ना मानिए, और देखिए दिया हुआ है ऑप्शन में, बिलीव इट और नॉट, आप माने या ना माने, द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट, पहला जो जिसका जिक्र किया गया दर्ज है इतिहास में, जो वाटरमेलन का जो हार्वेस्ट था, तरबूज की जो फसल थी पहली, डैश नियरली 5000 ईयर्स अगो। वो ऑप्शन है आपके, कंटेन्ड, प्रोड्यूस्ड, अकर्ड, डिस्कवर्ड। कंटेन मतलब रखना, जैसे कंटेनर होता है बर्तन रखने वाला, टंकी। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करना, और अकर मतलब घटित होना या होना, डिस्कवर मतलब खोजना, ढूंढना। तो जो फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट है दैट अकर्ड, वो पहला फसल हुआ
nearly 5000 years ago, lagbhag 5000 saal pehle in Egypt, Misr mein, and is dies in Egyptian hieroglyphics. Aur wo jo hai, aur wo jo pehli fasal hui thi, that is depicted, directed, diverted, distributed. अच्छा आपको पता होना चाहिए कि हायरोग्लिफिक्स क्या होते हैं. हायरोग्लिफिक्स होते हैं भित्ति चित्र. पहले जो बहुत पुराने सभ्यताओं में या पुराने लोग हजारों साल पहले गुफाओं में कोई चित्र वगैरह बना देते थे, उसको भित्ति चित्र बताते हैं उनके दीवारों पे. एंड इज डैस, और वो जो पहला रिकॉर्डेड वाटरमेलन का हार्वेस्ट है, इट इज डिपिक्टेड. डिपिक्ट मतलब वर्णन करना, चित्रित करना, दिखाना, वो डिपिक्टेड है इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स में. इजिप्ट में पाए जाने वाले जो भित्ति चित्र हैं उसमें दिखाया गया है. ऑन द वॉल्स, दीवारों पर, ऑफ देयर डैश बिल्डिंग्स, वॉल्स ऑफ देयर डैश बिल्डिंग्स. अच्छा बाद में चर्चा करेंगे बिल्डिंग्स के पहले क्या वर्ड आएगा. उससे पहले आप देख लीजिए, डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देशित करना, दिशा देना. डाइवर्ट का मतलब होता है कि उस रास्ते से किसी दूसरे रास्ते में लेकर चले जाना. और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना. तो अब बाकी के ऑप्शंस क्या हैं देखिए उसके लिए. एंड इज डिपिक्टेड इन इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स, और ये मिस्र के भित्ति चित्रों में दिखाया गया है. ऑन द वॉल्स, दीवारों पर, ऑफ देयर डैश बिल्डिंग्स, ऑफ देयर एंशियंट बिल्डिंग्स. एंशियंट बिल्डिंग्स मतलब प्राचीन इमारतों पर, है ना. एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग, बूढ़ा. एंशियंट मतलब प्राचीन, आउटडेटेड मतलब जो आज के लिए अनुपयोगी हो गया है, वो प्राचीन हो गया है, अब आज उसकी ज़रूरत या उपयोगिता नहीं रही. ऑब्सोलीट मतलब ही आउटडेटेड, पुरातनवादी, पुराना, अब प्रचलन से बाहर. तो एंशियंट बिल्डिंग्स के दीवालों पर जो हायरोग्लिफिक्स हैं, भित्ति चित्र हैं, जो पूरा कहानियाँ दिखाई गई हैं हायरोग्लिफिक्स में, चित्रों के माध्यम से उकेर उकेर कर कोई पूरा कथा बता देने की कोशिश होती है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं. दिस फ्रूट वॉज ऑफ्टन प्लेस्ड, इस फल को अक्सर रखा जाता था. दिस फ्रूट वॉज ऑफ्टन प्लेस्ड इन द ब्यूरियल टूम्स ऑफ किंग्स. जो ब्यूरियल टूम्स होते थे, दफनाने के वक्त जो मकबरे बनाए जाते थे, तो उन टूम्स में रखा जाता था. टूम्स ऑफ किंग्स, राजाओं के टूम्स या मकबरे पर, टू प्रोवाइड नरिशमेंट, ताकि पोषण दिया जा सके. इन द आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ का मतलब मरने के बाद जो अगला जीवन होगा उसमें उनको न्यूट्रिशन या भोजन मिले. तो यहाँ इन होगा, इन द ब्यूरियल टूम्स ऑफ किंग्स, जो किंग्स के ब्यूरियल टूम्स होते थे उसमें रखा जाता था इस फ्रूट को. आगे है पैसिव वॉइस आपको बताना है. मार्टिन ड्रू अ पिक्चर, मार्टिन ने खींचा या बनाया एक तस्वीर. ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेंस, बर्फीले माउंटेन्स या पर्वत जिनका शिखर बर्फ से ढका हुआ था, ऐसे माउंटेन्स का उसने एक पिक्चर ड्रॉ किया मार्टिन ने. तो इसका पैसिव हो जाएगा कि द स्नो कैप्ड माउंटेन्स, बर्फ से लदे पर्वत. अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स, उनका एक पिक्चर वॉज ड्रॉन, उसको बनाया गया बाय मार्टिन, मार्टिन द्वारा. ए वाला, पहला वाला, एक वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स वॉज ड्रॉन, उसको बनाया गया पास्ट इंफिनिट टेंस है, बाय मार्टिन, मार्टिन द्वारा. नेक्स्ट, इसमें आपको प्रॉपर सिक्वेंसिंग बतानी है. इट रिक्वायर्स फिजिकल एंड्योरेंस, इसके लिए ज़रूरी होता है शारीरिक सहनशीलता, मजबूती, विच कैन बी बिल्ट, और जो कि बनाया जा सकता है विद ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, ट्रेनिंग करके, एक्सरसाइज या मेहनत से या व्यायाम से. ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ, जो वास्तव में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हैं वो चुनौतियों से मिलते हैं, जो लाइफ की चुनौतियां हैं, चैलेंजेस ऑफ लाइफ, उनसे मिलते हैं ब्रेवली, बहादुरी से. एंड फेस हार्डशिप्स, और मुसीबतों का सामना करते हैं विद इक्वानिमिटी, एकदम इक्वानिमिटी से या शांत मन से, बिना घबराए. हाउएवर, हालांकि स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की शक्ति, इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट, एक ऐसा व्यक्तित्व की विशेषता है, गुण है, और क्वालिटी. चरित्र की मजबूती एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, व्यक्तित्व की विशेषता है, गुण है, उसकी क्वालिटी है. फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी, शारीरिक मजबूती या शक्ति इज द एबिलिटी, वो है क्षमता टू कोप विद अ फिजिकली चैलेंजिंग टास्क. ये क्षमता है टू कोप विद, की निपटने की क्षमता, फिजिकली चैलेंजिंग, शारीरिक से जो चुनौती देने वाला टास्क है उससे निपटने की जो क्षमता है उसी को हम फिजिकल स्ट्रेंथ बोलते हैं. तो अब इसके अंदर आपको बताना है कि प्रॉपर सिक्वेंसिंग क्या होगा.
DACB इसमें दिया हुआ है जो कि सही है. क्यों? क्योंकि डी में पहले बता रहा है कि फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है, तो ये एबिलिटी है, क्षमता है टू कोप विद अ फिजिकली चैलेंजिंग टास्क. शारीरिक रूप से चुनौती देने वाला कार्य, बड़ा कार्य है, उससे निपटने की क्षमता को ही फिजिकल स्ट्रेंथ या शारीरिक शक्ति कहते हैं. फिर ए में उसको बोलता है कि इसके लिए ज़रूरी होता है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, इट रिक्वायर्स, इसके लिए ज़रूरी होता है फिजिकल एंड्योरेंस, की शारीरिक सहनशीलता हो, विच कैन बी बिल्ड, जिसे बनाया जा सकता है ट्रेनिंग और एक्सरसाइज करके. फिर सी में कह रहा है कि हाउएवर, हालांकि स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, चरित्र में शक्ति, चरित्र की शक्ति इज अ पर्सनालिटी ट्रेट, एक व्यक्तित्व का गुण होता है, क्वालिटी होता है. और फिर बी में कि ट्रूली स्ट्रांग पर्सनालिटीज जो होते हैं, जो वास्तव में मजबूत व्यक्तित्व होते हैं, दे मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ, वो जीवन की चुनौतियों से निपटते हैं ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक, एंड फेस हार्डशिप्स, मुसीबतों का सामना करते हैं विद इक्वानिमिटी, साथ शांत मन से, इक्वानिमिटी से. बिल्कुल सही है चौथा वाला ऑप्शन. नेक्स्ट है, क्या वर्ड भरें कि करेक्ट और कंप्लीट हो जाए सेंटेंस. द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर डैश क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली. द स्टूडेंट्स वेंट, विद्यार्थी गए टू देयर डैश क्लासेस, टू देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस. रिस्पेक्टिव मतलब होता है अपने अपने, क्रमशः. तो अपने अपने क्लासेस में चले गए आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली, सुबह की प्रार्थना सभा के बाद. तो यहाँ रिस्पेक्टिव क्लासेस हो जाएगा. रिस्पेक्टफुल क्या होता है? रिस्पेक्टफुल मतलब होता है सम्मान युक्त. रिस्पेक्टेबल मतलब सम्माननीय, सम्मानित, और रिस्पेक्टेड मतलब भी सम्माननीय, सम्मानित. जबकि रिस्पेक्टिव मतलब क्रमशः, अलग अलग लोगों का जो अपना अपना है, अलग अलग वो. तो रिस्पेक्टिव वाला, रिस्पेक्टिव क्लासेस यानी अपने अपने क्लास में, वो सही है. फ्लेक्सिबल का उल्टा, फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला, इसका उल्टा हो जाएगा स्टिफ, सख्त, जो बिल्कुल लचीला ना हो, जरा भी इधर उधर ना हो, स्टिफ, सख्त हो. तो फ्लेक्सिबल का उल्टा स्टिफ हो जाएगा. सॉफ्ट मतलब कोमल, सपल, किसी की बॉडी सपल है मतलब फ्लेक्सिबल है, लचीला है. स्टेल मतलब बासी, कोई फूड स्टेल हो जाता है, बासी हो जाता है. आगे है प्रॉपर सीक्वेंसिंग बताना है इनका. पहला है सेंटेंस, ही देन कॉल्ड आउट टू द पीपल. उसने फिर आवाज़ लगाया लोगों को. बट बाय देन, लेकिन तब तक, ओनली ए रेड ग्लो वॉज विजिबल, केवल एक लाल रंग का ही चमकती हुई चीज़ विजिबल थी, दृश्य दिख रही थी इन द स्काई, आकाश में. अगला है एट फर्स्ट, पहले तो ही थॉट, उसने सोचा इट वॉज अ स्टक काइट, ये फंसा हुआ कोई पतंग है. फिर सी, भीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड्स, भीमा अपने खेतों को देखने गया था. वेन ही स्पॉटेड, जब उसने देखा राइजिंग डिस्क, एक उठता हुआ डिस्क जैसा तस्तरी नुमा चीज, शेप्ड उस आकार का ऑब्जेक्ट उठता हुआ देखा. फिर डी, बट लेकिन वेन इट स्टार्टेड राइजिंग हायर, जब ये उठना शुरू हुआ ऊपर की ओर, एन एमिटेड लाइट, और ये लाइट फेंकने लगा, प्रकाश एमिट करने लगा, उत्सर्जित करने लगा. ही वॉज शॉक्ड, वो चकित हो गया. तो पहले तो सी हो जाएगा कि भीमा गया अपने खेत देखने, और फिर उसने देखा एक राइजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट, तस्तरी के शेप का आकार का एक ऑब्जेक्ट या वस्तु देखा उसने. तो फिर बी, एट फर्स्ट, पहले तो ही थॉट, उसने सोचा इट वॉज अ स्टक काइट, ये फंसा हुआ कोई पतंग है. तो बिल्कुल सही है सी के बाद बी. फिर डी हो जाएगा, लेकिन वेन इट स्टार्टेड राइजिंग हायर, जब ये स्टार्टेड शुरू किया राइजिंग, ऊपर उठना, हायर ऊपर की ओर, एंड एमिटेड लाइट, और प्रकाश उत्सर्जित करने लगा. ही वॉज शॉक्ड, वो चकित हो गया. फिर ए, ही देन कॉल्ड आउट टू द पीपल, वो फिर लोगों को आवाज़ लगाया. बट बाय देन, लेकिन तब तक, रेड ग्लो वॉज विजिबल, ओनली रेड ग्लो, केवल एक लाल रंग का चमकता चीज़ ही विजिबल था, दिखने वाला था, इन द स्काई, आकाश में दिख रहा था, दृश्य था. अगला है अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, ऐसी जगह जहाँ कपड़ों को रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वार्डरोब बोलते हैं. आप लोग अलमीरा घर में देखे होंगे, उसमें एक जगह बनी होती है कपड़ों के टांगने के लायक, उसको वार्डरोब बोलते हैं. हैंगर क्या होता है? जहाँ पे प्लेन्स को रखते हैं, पार्क करते हैं. शाफ्ट क्या होता है? आपने देखा होगा घरों में या कहीं पे भी, बिल्डिंग्स में भी, एक ऊपर से लेकर नीचे तक एक गलियारा टाइप का होता है, वर्टिकल गलियारा, और जिसमें जैसे लिफ्ट विफ्ट भी रख सकते हैं, लिफ्ट के लिए जो जगह बना रहता है वो भी शाफ्ट होता है. और कॉफिन का मतलब होता है जनाजा, जनाजा वाला जो बॉक्स है जिसमें मृत शरीर को या शव को रखते हैं. अगला है कि इम्प्लोर का सिनोनिम बताना है. इम्प्लोर मतलब गिरगिराना, बहुत ही ज़्यादा याचना या विनती करना. इसका सिनोनिम हो जाएगा प्लीड. प्लीड मतलब भी क्या होता है? किसी से बहुत विनती या याचना करना. कमांड मतलब आदेश देना. रिफ्यूज मना कर देना. ऑनर सम्मान करना, सम्मान की भावना रखना. विजिलेंट का आपको अप्रोप्रिएट एंटोनिम उल्टा बताना है. विजिलेंट मतलब होता है जो विजिल रखता है, चौकन्ना रहता है, सचेत रहता है, चारों ओर देख निगरानी रखता है. तो सचेत, विजिलेंट मतलब सचेत. तो इसका उल्टा हो जाएगा
रैश, जो बिना चौकन्नापन दिखाए, रैश का मतलब होता है बिना सोचे समझे दिमाग लगाए विचार किए काम करने वाला, रैश। जैसे रैश डिसीजन, आपने डिसीजन लिया उसमें कुछ भी विचार नहीं किया। और विजिलेंट हैं अगर आप, तो हर चीज़ को चौकन्ने से देख के काम करते हैं। अलर्ट मतलब चौकन्ना, कॉशस मतलब सचेत, वैरी मतलब किसी चीज़ को लेकर सचेत या चौकन्ना। तो रैश इसका उल्टा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्पिल द बीन्स, ये बहुत पूछा जा चुका है एडियम, इसका मतलब होता है कोई सीक्रेसी है या सीक्रेट चीज़ है उसको रिवील कर देना, गुप्त बात है छुपी बात को उजागर कर देना। तो इसका मीनिंग हो गया गिव अवे अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट या रहस्यमय बात है उसको गिव अवे मतलब दे देना किसी को, खोल देना उसको। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना, परफॉर्म मैजिक, जादू टोना करना, वेस्ट मनी, पैसा बर्बाद करना, ये सब गलत है। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, ऐसा व्यक्ति जो अपने भाषण बातचीत में रिजर्व्ड होता है, बड़ा रिजर्व्ड का मतलब होता है किसी से नहीं बात करता, कम बात करता है, रिजर्व्ड होता है, चुप रहने वाला होता है, तो ऐसा आदमी रेटिसेंट होता है। एक और शब्द होता है इसके लिए टैसिटर्न, TACITUR, टैसिटर्न या रेटिसेंट, कम बोलने वाला। इलोक्वेंट मतलब होता है जो धारा प्रवाह हो बोलने में, या कोई भाषण हो जो इलोक्वेंट स्पीच है तो धारा प्रवाह भाषण है। कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास से भरा हुआ, और एडमेंट मतलब जिद्दी अड़ा हुआ। आगे है कि द गवर्नमेंट हैज़ वॉर्न्ड द ट्रेडर, सरकार ने चेताया है व्यापारियों को नॉट टू डैश अनियंस, नॉट टू होल्ड, कि वो जमाखोरी ना करें अनियंस का, प्याजों का। होर्डिंग आप जानते होंगे जमाखोरी एक अपराध है, जब लोग देखते हैं कि किसी चीज़ की कमी है तो उस सामान को अपने यहाँ इकट्ठा करके धीरे धीरे बेचते हैं ऊंची दामों पर, और एक क्राइम है ये, इसको होर्डिंग बोलते हैं, जमाखोरी बोलते हैं। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ग्रॉस के और भी कई अर्थ होते हैं, ग्रॉस जैसे ग्रॉस बिहेवियर है मतलब बहुत ही खराब बिहेवियर है, आउटरेजसली बैड, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब, ग्रॉस। बल्क मतलब होता है आप जानते हैं, बल्क मतलब एक ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट या ज़्यादा मात्रा किसी चीज़ का ढेर। कंबाइन मतलब संयुक्त करना, जोड़ना। तो गवर्नमेंट ने वॉर्न किया ट्रेडर्स को, व्यापारियों को चिताया नॉट टू होल्ड अनियंस, प्याजों का होर्डिंग ना करने के लिए, उसको जमा ना करने के लिए, उसकी जमाखोरी ना करने के लिए। ही सिंग्स ऑलवेज व्हेन ही इज़ हैविंग अ शावर, ये गलत हो गया, ऐसे नहीं बोलते हैं। चौथा वाला आप अगर चीज़ रखते हैं तो सही होगा कि ही ऑलवेज सिंग्स, वो हमेशा गाता है, व्हेन ही इज़ हैविंग अ शावर, जब वो नहा रहा हो, जब नहा रहा होता है तो हमेशा गाता है, ही ऑलवेज सिंग्स, ठीक है। मिड पोजिशन आप देखिए, एडवर्बिल्स के बारे में आपने पढ़ा है, एडवर्बिल्स के बारे में तीन चीज़ें, दो चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो उनका प्लेसमेंट, कहाँ प्लेस करेंगे उनको, कहाँ रखते हैं, फ्रंटिंग होती है, मिड पोजिशन होता है या एंड पोजिशन। तो यहाँ देखिए मिड पोजिशन है, और मिड पोजिशन का अर्थ भी जानते हैं आप मेन वर्ब के ठीक पहले, तो यहाँ ऑलवेज मिड पोजिशन में, मेन वर्ब के ठीक पहले है, तो ये पहली चीज़ होती है प्लेसमेंट। और एडवर्बिल के बारे में दूसरी चीज़ क्या होती है, उसका वर्ब कंपोनेंट के साथ कनेक्शन, हर एडवर्बियल हर टेंस के साथ यूज़ नहीं होता है, वो सब आपको क्लास में बताया मैंने, उसको देखिएगा। ग्लोरियस, ग्लोरी क्या होता है, शान शौकत, और कोई चीज़ ग्लोरियस है यानी शानदार है, भव्य है, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्प्लेंडिड, शानदार, जबरदस्त, भव्य। इनॉर्मस, किसी चीज़ की इनॉर्मिटी यानी व्यापकता, बृहत्ता, कितना बड़ापन, इनॉर्मस मतलब बड़ा या बृहत, एडजेक्टिव है। जेंटल मतलब होता है नम्र, कोमल और अच्छा। अनयूजुअल मतलब जो यूजुअल ना हो, सामान्य ना हो, असामान्य, अनयूजुअल। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, एवरीथिंग दैट आई लाइक, हर चीज़ जो मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक टू ईट, जिसको मैं पसंद करता हूँ खाना, इज़ फैटनिंग, वो फैटनिंग होता है यानी मोटा करने वाली चीज़ होती है, इज़ होना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट, एवरीथिंग सिंगुलर है ना, आपको पता है, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट, हर एक चीज़ जो मैं खाना पसंद करता हूँ, इज़ फैटनिंग, वो मोटा करने वाला है। तो यहाँ आर फैटनिंग में गलत है, यहाँ एरर है, इसको इज़ फैटनिंग होना चाहिए था। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पेपर, और मुझे विश्वास है कि आप लोग खूब पढ़ रहे हैं, है ना, एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है, और यकीन मानिए ये एक एक दिन की जो सीरियसली आप पढ़ाई करेंगे ना, 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा, ये आपको एक साल बाद आपके सपने के पास ले जाएगा। तो देखिए भगवान सब देख रहा है, कोई और देखे चाहे ना देखे, भगवान देख रहा है और आप देख रहे हैं, तो आप दो, भगवान और आप दोनों के बीच ही ये बात रहनी चाहिए, और आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, भगवान भी देख रहा है। अगर आप मेहनत करते रहोगे ना कंसिस्टेंटली, अगर आप लेजी नहीं रहोगे और काम करते रहोगे, तो सबका आशीर्वाद है, भगवान भी देख रहा है,
और सब ये प्रकृति का नियम है कि लेबर नेवर गोज इन वेन, जो किया कर्म है कभी व्यर्थ नहीं होता, उसका फल होता है। तो नौकरी मिलेगी, जरूर मिलेगी, कीप वर्किंग। सो ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू टुमारो।